आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही छाए हुए हैं। हम दिखाते हैं आपको क्लियरली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छे लगे। अभी तो सुबह के 7:42 और हम अभी 8 पे हैं। अभी तो हम चलते छत पे, देखते क्या हो रहा है छत पे। तो देखिए, हमको रात पता ही नहीं चला कि रात को पानी भी पड़ा था। रात को तो बारिश हुई थी, चारों ओर तो पानी पानी है फैला हुआ। सब सरसों वर्षों रात में यहीं छूटी है, भींग गया छत पे ही। और आप देख सकते हैं हर बारिश की तरह इस बारिश में हमारे गली का हाल। हर बारिश में ऐसा ही हाल हो जाता है, किच किच। मोबाइल चार्ज में हम तो रात में लगाने के लिए भूल गए थे चार्ज, तो पहले इसको चार्ज करते उसके बाद करते ब्लॉगिंग। और मेरा स्कूल का फ्रेंड चंदन जा रहे डैम तरफ घूमने के लिए, दद्दून करते करते। चलिए गाइस, तो हम डैम के बहुत नज़दीक आ गए। उधर तो गली के 2-3 बच्चे इमली झाड़ रहे हैं, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, दिखा। और अभी हम जा ही रहे हैं। शायद से गिर जाए। पानी ही नहीं बल्कि बहुत आंधी भी चली, जिसके कारण इधर का एक पेड़ जो आपको सामने दिख रहा है ये गिर गया। देख सकते हैं, ये सीधा था पहले बट अब तो झुक गया। और इधर का तो पेड़ सही सलामत है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको अपना डैम, गांव का डैम। तो बाद में देखिएगा, डैम तो यही है, आप क्लियरली दिखा देंगे पहले अच्छे से। और देखिए उससे पहले मेरे खेत, ये जो यहाँ से वहाँ तक पूरा फैला हुआ है जिसमें सिर्फ हरा हरा ही है, तो वो मेरा है। और इसके नीचे भी थोड़ा है, नीचे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं। और ठीक हमारे खेत के बगल रहा ये डैम, वो तो वहाँ पे हाथ पैर धो रहा है उधर से कीचड़ में चल के। तो हम भी तो अभी जा रहे हाथ ही पैर धोने, कोई नहीं। पानी पड़ने के कारण डैम में तो पानी का बहाव भी आ गया, पानी तो बह ही रहता है। डैम का पानी इधर से निकल कर इधर गिरता है, पूरा तो कीचड़ ही फैला गया, गांव का आदमी सब फैला दिया कीचड़। डैम के किनारे बैठ के इमली खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो भाई जब चलते हैं वापस से घर। भाई जो सुबह का खाना वाना होता है तो वो तो हो गया, अभी हम जा रहे दुकान क्योंकि दी का रिचार्ज करवाने के लिए मोबाइल में। तो चलिए, उनको वीडियो में आना नहीं है तो फिर साइड साइड कहीं छुप जा रही है, अभी तो गेट के पीछे होगी आगे। तो आते दुकान से। हमने 2 महीना का अनलिमिटेड रिचार्ज करवा दिया और अभी बिस्तर पकड़ के मोबाइल देखने लगी। दिखाते हैं अभी आपको, मोबाइल का ही लाइट जलवाना पड़ा। ओ लाइन तो है गाइस, देखिए लाइन नहीं रहने के कारण आँख ऐसे लग रहे जैसे भूतनी का आँख हो। कोई नहीं, फिर मोबाइल का लाइट बंद कर देते हैं और रूम का ऑन। अगर हमें दिख रही है कितना फॉलो हुआ, कितना लाइक हुआ अपने चैनल पे। तो वैसे भी हमने देखा कल का वीडियो जो भी अपलोड किया था उसमें एक ही वीडियो जो है ना, तो हम उसको जोड़ जोड़ के डालते थे। एक ही वीडियो 2 बार जुट गई, इसके कारण रिव्यू हो गया एक वीडियो। तो कोई नहीं, सॉरी आइज लो, तो हो गया मिस्टेक से। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, कोई नहीं आगे से ध्यान रखा करेंगे। तो तुम्हारे छत पे वैसे तो मौसम ठंडा वाला पानी वाला किया हुआ है, ठंडी भी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। देख सकते हैं आप चारों तरफ काले बादल घेरे हुए हैं, ये तो पूरे कुछ ज़्यादा ही काले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इससे तेज़ी से बारिश होने वाली है। कल के व्लॉग में बताया था कि हम दिखाएंगे आपको इस व्लॉग में कि सरस्वती पूजा का पंडाल जो हमारी गली में तैयार हो रहा है सो कहाँ पे है। तो वो जो आपको दिख रहा है पेड़ के वो साइड, तो वही तैयार हो रहा है हमारे गली में, छोटा मोटा सा ही पंडाल का होता है और वहीं पे सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। जब वो पंडाल पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे माता के मूर्ति के साथ।
गाइस आपने देखा था कि थोड़ी देर पहले कितने काले बादल थे, अभी देखिए पूरे वाइट वाइट हो गए आसमान। कोई नहीं, आप इस बादल का एंजॉय कीजिए तब तक। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ऐसे तो भी आपने देखा फिर से काले बादल छाने लगे। कोई नहीं, मानसून का तो ऐसा लगा ही रहता है। और अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। गाइस तो अभी हम बाहर में बैठे हैं। वैसे तो मौसम उसी टाइम से ख़राब है, कभी अच्छा होता है तो कभी ख़राब होता है। दादी तो यहाँ पूरे शरीर को ढक के बैठी है ठंड के कारण। माँ तो सुबह ही गई है के लिए एग्ज़ाम लिखना, बट अभी तक तो आई नहीं। भैया भी उनके साथ गई है, पता नहीं कब तक आएगी। अभी नाम तो लिए, रोने का कौन फोन आ रहा है। कॉल कर लिए और बात ही नहीं कर रहे। हेलो, कॉल कर लिए और बात ही नहीं कर रहे, किन्हीं दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई नहीं, हम इधर से रिटर्न करते हैं। हुआ तो किधर से टहल के आ रही है खेत वितर की। गाइस वो भैया का कॉल ने पिताजी के बड़े भैया का कॉल था, इसलिए बड़े भैया लिखा हुआ था। हम तो समझ लिए मेरे बड़े भैया। कोई नहीं, फिर से फुआ किधर चल दी। कोई नहीं, गाइस तो भी जोरों शोरों से पानी स्टार्ट हो गया। अभी आप देख सकते पूरा जो हमारे घर का सीढ़ियों से पानी पानी हो गया। ऊपर छत खुला ना है तो इसलिए आ जाता है सीढ़ी में पानी। चलिए भी हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। हमारे घर में दो सीढ़ी है, एक तो रहा ये वाला और एक रहा ये वाला। तो दोनों सीढ़ी ऊपर से खाली है, इधर से भी पानी आ रहा और इधर से भी आ रही है, इसके कारण नीचे पूरा आंगन में पानी ही पानी हो गया। पानी पहले से तो बहुत कम आने लगा, बिकाउज ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर भी खाली था, बट अब वो वहाँ हो गया ढलाई, जिसके कारण अब वहाँ से पानी नहीं आता है। और देखिए इधर बाहर का नज़ारा। गाइस तो पूरे आधे घंटे के बाद पानी बंद हुई और धूप निकल आई। आज का दिन लेकिन अलग था पहले से। कुछ देर के लिए धूप था, कुछ देर के लिए काला बादल था, फिर धूप, फिर बादल और एकाएक बारिश। कोई नहीं, फर्स्ट बार मैंने ऐसा देखा। पहले देखा होगा पर याद नहीं, बट ये वाला फर्स्ट ही होगा मेरे ज्ञान से। माँ तो एग्ज़ाम देने गई थी तिलई, और साथ में ले आई एक जोड़ी चप्पल। आप देख सकते हैं इसको, वो रहे ये चप्पल जो अभी लाए गए हैं एक जोड़े। अगर आपको हमारे पैर में अच्छे लग रहे तो कमेंट में जाके बताइए। हुआ को लग रहा है कि हम बार बार फोटो ले रहे हैं, बट हम तो वीडियो कर रहे हैं। गाइस तो भी शाम के 8:10 हो रहे हैं और माँ तो यहाँ पे खाना खा रही है। पापा जी इधर सो गए और भैया तो इधर मोबाइल देख रहे हैं। सो अब मैं यहीं पे करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और हो सके तो एक अच्छा वाला कमेंट भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वो तो यहाँ पर ठंड के कारण सिकुड़ के बैठी है।